ये हल्दी कौन सी है? इधर आ जाओ, अरे यंग शॉप को दे दो। हाथ में पकड़ो, गोल्ड रिंग मारी का अरे हाँ बासा, अरे ऊपर में पकड़ो पानी वाले लोग ऊपर पकड़ो। ये प्रणाम है ज्यादा खाने का। कोदाली चाहिए गुरु जी, तो मेन इंस्ट्रूमेंट हमने अभी इसका जो कुलकुमिन है, कुलकुमिन औषधीय तत्व साढ़े आठ यानी सर्वोत्तम है। ये केमिकल ये हल्दी आपको थोड़ी भी डालने तो सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। अब हल्दी पकाते हैं लोग, कढ़ाई में पकाते हैं, पकाना नहीं है, पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको साफ करना है निकालने के बाद। गुरु जी ये हल्दी पकाने में ये पीला का आता है उसका पाउडर, नहीं पकाने में हल्का रेड आ रहा है। और हमने ये प्रयोग किया है सर, ये कोला ड्रायर का यूज कर सकते हैं। पकाई हल्दी का पैकेट बनाया 50 ग्राम का, और जिसको पकाया नहीं उसका पैकेट बनाया, इसको नंबर एक उसको नंबर दो दिया, और 10 महिलाओं को दे दिया मुफ्त में कि कौन सी अच्छी है मुझे बताओ। तो जो पकाई नहीं वो बोली कि आधा चम्मच डालने से भी सब्जी बढ़िया हो, स्वाद बहुत आता है, रंग नहीं बदलता। लेकिन सुखाना कहाँ है? और मुझे बताइए ये तो बढ़ता ही रहेगा, कोई मांग रहा है आपको? कोई हाँ दवा मांग रहा है? मांग कौन रहा है? ये रहा है, पैसा ये दे रहा है। हल्दी अदरक अभी ये अरहर कट गई है, इसमें मिर्च लगाना है। अब तो हम मन में तो पता है कि अब इसमें क्या लगाना है, ये मॉडल खड़ा होगा पूरा गुजरात राजस्थान के लिए अद्भुत मॉडल होगा। अब इसकी शुरुआत हम अदरक है ना? नहीं हल्दी है, अदरक वहाँ है। हाँ आराम से, लहसुन लहसुन प्याज हल्दी अदरक मिर्च ये स्पाइसेस है मसाले वर्गीय, इनको कड़ी धूप नहीं चाहिए। दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसेंसिटिव। ये जो फसलें प्रकाश संश्लेषक नहीं है, प्रकाश संवेदनशील है। इसका मतलब है उनको कड़ी धूप नहीं चाहिए। अभी आज की जो टेम्परेचर 36 डिग्री है, आज का आज सूरज की रोशनी की प्रखरता इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट डेफिनेटली 9000 है फुट कैंडल। लहसुन के पत्तों को
5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल चाहिए इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट। यहां उनको 8000-9000 मिल रही है। इसका मतलब है कड़ी धूप में ये तेजी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन इसके छाया में देखिए, अरहर की छाया में, ये अरहर की छाया में देखिए, ये लहसुन इसका तना देखिए कितना चौड़ा है, है? कितना चौड़ा है, इससे चौड़ा है ना, क्योंकि इनको छाया चाहिए। यानी लहसुन मिर्च और जिंजर टर्मेरिक कोई भी छाया हो उसमें हम ले सकते हैं। इसका उदाहरण आप कल देखेंगे। शो ये देशी लहसुन है, ये लाल 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 वाला जो गाठा लाल होता है वो देशी होता है, ये लाल लाल ये पूरा देशी है, पूरा देशी लाल पूरा पूरा देशी और महीने में तैयार हो जाएगा। वाह, आता तुम्ही सांगा बेडवर लावलं कसं? जसे आपण कांदे लावतो ना त्याच पद्धतीने आपण, जैसे आपण प्याज, हमारे यहाँ जो प्याज लगाते है, मतलब एक लाइन लगाते है, कतर लगाते है, कतर का मिट्टी थोड़ा बाजू में करके फिर उसके अंदर बुवाई करते है, वैसे ही हमने लहसुन का एक एक बीज लेके वैसा डाल दिया लाइन से, कतर एक एक कतर करके लिया, एक लाइन में कम से दस बारह ऐसा डाल दिया हुआ है, और उसको सिर्फ जीवामृत, बाकी कुछ भी ना, अभी तक स्प्रे तो बिल्कुल नहीं हुआ, अभी तक बिना स्प्रे का है। आज भी देखोगे मेरे रूम में आपको लेके जाऊंगा, मुश्किल से मुझे स्प्रे करना पड़ता है, और भी ऊपर ऊपर कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। चले चले।